हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज से मैं अपने चैनल पर वीडियो की एक सीरीज डालने जा रहा हूँ जिसमें मैं देश विदेश के महान रिसर्चर और वैज्ञानिकों की बायोग्राफी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो जिस महान वैज्ञानिक पर होने जा रहा है, इन्हें हम मैरी क्यूरी के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले इन्होंने ना सिर्फ जेंडर बैरियर जैसे मिथ को तोड़ा, बल्कि ये स्त्रियों के लिए एक महान प्रेरणा का स्रोत बनी। इन्होंने उस समय 2 नोबेल पुरस्कार जीते और साथ ही साथ साइंस में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत सारे योगदान दिए। आइए इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। मैरी क्यूरी, जिनका जन्म रशियन एम्पायर में पोलैंड देश में हुआ, 7 नवंबर 1867 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु फ्रांस में सैले चेस नाम के एक छोटे से गांव में 4 जुलाई 1934 को हुई। इनका कॉज ऑफ डेथ, इनकी मृत्यु का कारण जो था वो एप्लास्टिक एनीमिया रहा। रिसर्चर और साइंटिस्ट का मानना है कि एप्लास्टिक एनीमिया रेडियो एक्टिव रेज के एक्सपोजर के कारण होता है। अपने लंबे रिसर्च के दौरान पोलोनियम और रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के काफी नजदीक रहने के कारण इन्हें यह बीमारी हुई। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से कंप्लीट की और आगे जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में ही प्रोफेसर का काम किया। इनका रिसर्च एरिया रेडियो एक्टिविटी रहा और इनके महान अचीवमेंट में डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम एंड रेडियम रहा, जहां इन्हें रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में काम करने के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला। वहीं डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम एंड रेडियम के लिए इन्हें सेकंड नोबेल प्राइज मिला। इनके हस्बैंड का नाम पियरे था और इन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, इरीन एंड ईव। आगे जाके इरीन भी इनके ही तरह एक महान रिसर्चर और साइंटिस्ट बनी। फोटो में हम इनके हस्बैंड के साथ इनकी बेटी को देख सकते हैं, वहीं इस दूसरी फोटो में इन्हें हम अपनी बेटी इरीन के साथ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हुए देख सकते हैं। इनके फादर का नाम व्लादिस्लाव स्क्लोडोस्की था, ब्रोनी सीवा ड्यूस्का 1865 में जिनका जन्म हुआ, जोसेफ स्क्लोडोस्की 1863, हेलेना स्क्लोडोस्का 1866, जोफिया स्क्लोडोस्का 1862। ये अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनकी बड़ी बहन ब्रोनिस्वा डियोस्का भी एक रिसर्चर और साइंटिस्ट रही। इस फोटो में हम इन्हें इनके भाई बहनों के साथ और इनके फादर के साथ इन्हें देख सकते हैं। वहीं दूसरी फोटो इनके फादर की है और तीसरी फोटो में हम इन्हें अपनी बहन ब्रोनिस्वा डियोस्का के साथ देख सकते हैं। यहाँ हम इन्हें मिले अवार्ड्स की लिस्ट देख सकते हैं, जहाँ इन्हें पहला अवार्ड नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में मिला, जो कि 1903 में इन्हें मिला, और ये पुरस्कार इन्हें इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी और हेनरी ब्रिकवेल, जो कि इनके सहकर्मी थे, इनके साथ सामूहिक रूप में दिया गया। इन्हें दूसरा पुरस्कार इनके हस्बैंड के साथ इन्हें 1903 में डेवी मेडल के रूप में मिला, मैट्यूकी मेडल 1904, एक्टोनिया प्राइज 1907, इलियट क्रेसन मेडल 1909, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1911, जो कि इन्होंने डिस्कवरी की थी प्लूनियम और रेडियम की, इसके लिए इन्हें दिया गया। फ्रैंकलिन मेडल ऑफ अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी 1921 में इन्हें मिला। इन दो फोटोज में हम इनकी 2 बेटियों को देख सकते हैं, जहां पहली बेटी इरीन जोलियट क्यूरी,
जिनका जन्म 12 सितंबर 1897 में और मृत्यु 17 मार्च 1956 में हुई। वहीं इनकी दूसरी बेटी ईव क्यूरी, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1904 में हुआ और इनकी मृत्यु हाल ही में 22 अक्टूबर 2007 में हुई। बड़ी बेटी जहां एक रिसर्चर साइंटिस्ट रही, वहीं इनकी दूसरी बेटी ने लेखिका के रूप में अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ। ये फोटो सोलवे कॉन्फ्रेंस का है, जो कि 1911 में लिया गया। यहाँ हम मैरी क्यूरी को देख सकते हैं, जो कि राइट से सेकंड पे बैठी हुई हैं। इस फोटो में रदरफोर्ड देखने को मिलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन देखने को मिलते हैं, हेनरी पोनकेयर देखने को मिलते हैं एंड पॉल लैंग इवीन देखने को मिलते हैं। मैरी क्यूरी ने साइंस और रिसर्च को अपनी पूरी जिंदगी दे दी और साइंस और रिसर्च के लिए ही अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी। रिसर्च के दौरान इन्हें बहुत लोगों ने सलाह दी कि आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट के संपर्क में इतना ज्यादा ना रहें, लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था इनका रिसर्च। और इनके रिसर्च के रूप में हम प्लूटोनियम, रेडियम जैसे एलिमेंट को देख सकते हैं। एक्सरे पे भी इनका रिसर्च और योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इन्होंने दुनिया को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भी रूबरू करवाया। इस फोटो में हम लोग पियरे और मैरी को लेबोरेटरी में काम करते हुए देख सकते हैं। साइंस की फील्ड में आपका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इसके लिए हमारा चैनल आपको धन्यवाद करता है।